नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। झारखंड में लगातार हाथियों का उत्पात है जारी। जलडेगा क्षेत्र में हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों के यहां क्षतिग्रस्त, घर में रखे अनाज को भी खा गए। तो ये जानते हैं पूरी खबर। प्रखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगली हाथी ग्रामीणों के घरों को लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं। वहीं हाथियों ने मंगसपुर और लक्ष्मणपुर गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। यहां पर दो घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, घर में रखे अनाज को भी हाथी खा गए। घर की दीवार गिरने से घर में रखा सामान पूरी तरह से हुआ बर्बाद। सूचना मिलने पर वन विभाग के कोलेबीरा फॉरेस्टर कर्मदेव सिंह, उनके साथ नीतीश कुमार, हेमंत कुमार ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों के बीच हाथी को भगाने के लिए तेल, पटाखा सहित अन्य सामान का वितरण भी किए। हाथियों से बचने के तरीके से ग्रामीणों को अवगत भी कराया। हाथियों ने मंगसपुर लक्ष्मणपुर के भदवा डुंगडुंग तथा मंगरा टेटे के घर को क्षतिग्रस्त किया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हाथियों से छेड़छाड़ ना करें, छेड़छाड़ करने पर हाथी ज्यादा उग्र हो सकते हैं। इधर ग्रामीणों ने कहा कि घर के बाहर अभिन्न रास्ते पर आग जलाकर हम लोग रज्जगी कर रहे हैं, ऐसा करने से हाथी स्वतः दूर हटने लगते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की संख्या 15 से 20 है। हाथियों के डर से ग्रामीण रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से हाथियों को जल्द से जल्द भगाने की मांग भी रखी है। आपको मैं फिर से एक बार अवगत करा दूं कि झारखंड के जलडेगा क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के गांव में घुस करके कई घरों को तोड़े, वहीं खेत खलियानों में जाकर के किसानों के अनाजों को किए बर्बाद। सर ये बताइए, हाथियों का जो उत्पात लगातार जारी है कोलेबीरा के क्षेत्र में जलडेगा आसपास, उसमें कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? बहुत सा नुकसान हो गया है। क्या उत्पात मचा रही है उस पर? कब तक वन विभाग के द्वारा क्या क्या कि कब तक काबू किया जा सकता है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हाथियों पर काबू किया जाए। इसके लिए हम लोग बंगाल से बांकुड़ा से जी हाथी भगावती मंगाए हुए हैं और उसके द्वारा ऐसे हाथी भगाया जा रहा है। विभाग के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है इस पे कंट्रोल पाने के लिए? कंट्रोल पाने के लिए हम लोग वन क्षेत्र पदाधिकारी, फॉरेस्टर और बनपा और आपका बनरक्षी के द्वारा हाथी भगाओ टीम के साथ हम लोग रात भर हाथी को भगा रहे हैं। और अगर हाथी घर तोड़ दे रहा है, अनाज खा जा रहा है, तो क्षतिपूर्ति भी सरकार की ओर से तुरंत। बेवस है ग्रामीण रज्जगी करने पर। जलडेगा क्षेत्र के ग्रामीण हाथियों के भय से रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में गांव के बाहर आग जला करके वे रात भर रज्जगी करते हैं ताकि उनके परिवार, उनके खेत खलियान को किसी तरह सुरक्षित रखा जा सके। हाथियों के उत्पात से काफी नुकसान हुआ है किसानों को।